One, we all welcome you in India's best learning platform, upcoming IAS. And today's topic of discussion is repo rate hike by RBI. So, students, in this session, we will learn about what is repo rate and why uh, RBI is increasing it, and what are its impacts uh, in our economy. So, students. एज दिस टॉपिक सजेस्ट जो आर बी आई उसने जो रेपो रेट है उसे ट्वेंटी फाइव बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है तो अब रेपो रेट कितना हो गया है सो इट बिकेम्स सिक्स पॉइंट फाइव जीरो परसेंटेज और जो रेपो रेट है वो आर बी आई की जो मॉनिटर पॉलिसी कमेटी है वो डिसाइड कर दिया कि वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट में चीज़ें कैसे चल रही है इन्फ्लेशन वगैरह कैसी चल रही है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रखने के लिए ही ये जो आर बी आई है वो अपनी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट्स वगैरह जो भी पॉलिसी रेट होते हैं उन्हें वो कम ज़्यादा करती रहती रेप है और आर बी आई ने ये भी बताया है कि जो हमारा नेक्स्ट फिजिकल ईयर होगा उसमें हमारी जीडीपी सिक्स पॉइंट फोर परसेंटेज के अकॉर्डिंगली ग्रो करेगी एंड जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी फाइव पॉइंट थ्री परसेंटेज के अकॉर्डिंगली स्लो डाउन होगा थोड़ा सा क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी थी ड्यू टू तो द पेंडेमिक पैंडमिक की वजह से और पैंडेमिक के आफ्टर इफेक्ट्स की, की वजह से एंड फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया तो फिर फूड ग्रेन्स के भी फर्टिलाइजर के फ्यूल के सभी एक क्राइसिस हो होगा इसलिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा पीक में जा चुकी थी लेकिन अब हम उसे धीरे धीरे करके रिड्यूस करेंगे और उसका जो टारगेट है टू टू सिक्स परसेंट के स्लैब

करेंगे सो so, ये एम सी एल आर होगा ये भी इंक्रीज हो जाएगा और, चला जाएगा, uh, महंगा होने वाला है। और बाकी सारी ई एमआई वगैरह वो भी महंगी होने वाली है क्या मीनस हमारी कंट्री का, में इन्फ्लेशन अभी और, और ज्यादा बढ़ेगी सो नहीं ये सभी चीजें इसलिए ही करी जा रही है जिससे कि कंट्री में जो इन्फ्लेशन है उसे मॉडरेट लेवल तक लेकर आ सके क्योंकि अभी अभी तक बहुत ज्यादा हाइप कर चुकी थी

Uh, students, uh, जो रेपो रेट है, इट द रेट एट विच आरबीआई मनी टू ये बैंक ऐसा रेट है कि जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई से पैसे लेने होते हैं लोन लेना होता है तो वो वो किस रेट पे मीन्स जो तो इंटरेस्ट रेट लगता है ना उसको हम रेपो रेट कहते हैं है कि भाई क्या जो बैंक्स है कॉमर्शियल बैंक से वो भी आरबीआई से लोन लेती है तो येस हाँ वो लोन लेते हैं क्योंकि जो लेंडिंग एक्टिविटीज़ कर रही होती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि उनके पास जो फंड है वो उतना सफिशियंट नहीं बचता और हो सकता है कि कोई कस्टमर आ जाए उन्हें अप टू टेन लाख की या टू लाख की पेमेंट चाहिए हो उन्हें कैश विड्रॉ करना और उनके पास उतना कैश है ही नहीं सो तो अपने ये सारी चीज़ें जो बैंकिंग एक्टिविटीज को मेनटेन करने के लिए जो कमर्शियल बैंक होती है वो आरबीआई से लोन लेती है सो जिस रेट पे इंटरेस्ट रेट पर वो आरबीआई से लोन लेंगे उसी को हम रेपो रेट कहते हैं और ये मॉनिट्री पॉलिसी कमेटी के द्वारा आरबीआई की मॉनिट्री पॉलिसी कमेटी के द्वारा इसे ये रेट्स को फिक्स किया जाता है इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए मीन्स अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है सो रेपो रेट्स भी आप बढ़ा दो जैसे कि क्या होगा uh, जो कमर्शियल बैंक्स है जब वो आरबीआई से इंटरेस्ट मींस लोन लेंगी तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और जब होगा, so, वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा सो कम लोन लेंगी जब वो कम लोन लेंगी तो वो uh, क्या कहते हैं कम लोन्स बांटेंगी भी और जब रेपो रेट ज्यादा हो रहा है मीन्स कमर्शियल बैंक जिस रेट पे आर बी आई से इंटरेस्ट ले रही है अगर वो ज्यादा हो रहा है तो जब बैंक बाकी लोगों को लेंडिंग एक्टिविटीज करेंगी बाकी लोगों को लोन्स देंगी तो वो भी अपना uh, क्या होगा जो इंटरेस्ट रेट होगा उसे इंक्रीज कर देगी जिससे कि क्या होगा जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो बहुत कम ही लोग होंगे मीन्स सेवेंटी परसेंट और वीकेंड से सिक्सटी परसेंट लोग ही होंगे जो उस रेट पर लोन uh, ले रहे होंगे बैंक से ओके okay. होगा क्या कि जो भी लेंडिंग एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाएंगी जब लेंडिंग एक्टिविटीज़ हो तो कम होगी तो फिर मार्केट में पैसा कम लगेगा और जब मार्केट में पैसा कम लगेगा तो जो इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट हो जाएगी क्योंकि क्या होगा डिमांड इतनी ज्यादा जनरेट नहीं होगी क्योंकि जो लोग है वो नहीं ले पा रहे हैं और जो लोन नहीं ले पाएंगे तो उनके पास उतना पैसा भी नहीं आएगा कि वो कहीं इन्वेस्ट करें मीन्स जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कहाँ से होगी जब वो बैंक से लोन ले पाएंगे और जब आ, मार्केट में पैसा ही नहीं लग रहा होगा जब पैसा ही नहीं लग रहा है मीस क्या है उस चीज़ की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं हो रही तो सप्लाई भी जो है वो अपना कंट्रोल में आ जाएगी मीस जो इन्फ्लेशन है वो हम इन्फ्लेशन को टारगेट लेंगे और इफ्लेशन हम मॉडरेट करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे और स्टूडेंट्स ये जो डेपोरेट होता है इसमें और ये और क्या सिग्निफिकेंस प्ले करता है तो देखो जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेंगी सो वो करेंगी क्या आरबीआई हर कमर्शियल बैंक को तो लोन देगा नहीं क्योंकि उसे भी दिख रहा होगा कि फिर वो जो उसका लोन है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा सो so, बैंक्स के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ चीज़ें जो है ना वो सिक्योर होनी चाहिए कि उनका जो सीआरआर है वो इतना होना चाहिए एस इतना होना चाहिए जिसके बेस पे uh, जो बैंक है वो उन्हें लोन्स दे पाए एंड एट लास्ट हम रेपो रेट की uh, जो डिसाइडिंग कमेटी है वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि आरबीआई एक्ट के अंदर सेक्शन फोर्टी फाइव जेड बी से कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी विच द सिक्स मेंबर कमेटी और जो कि रेपो रेट्स और जो बाकी पॉलिसी रेट्स होते हैं उनको डिसाइड करती है सो स्टूडेंट्स आई होप ये सेशन आपको समझ में आया हो सो विदिल सेशन है, डू शेयर इट विद बूस्टर सीरीज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट